भारत G20 जैसे बड़ी समिट की मेजबानी कर रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। पूरी दुनिया इस सम्मेलन पर नजर टिकाए बैठी है, इंतजार में है कि इस सम्मेलन से क्या फलदायी निकलकर सामने आता है। पीएम मोदी की कुशलता और कर्मठ कार्यशैली से G20 का नाम बदलकर G21 तो कर दिया गया है। पूरे 20 देशों में से किसी के राष्ट्राध्यक्ष तो किसी के प्रतिनिधि इकट्ठे भी हैं और भारत की मेजबानी का आनंद भी ले रहे हैं, फिर चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका या फिर कनाडा या फिर कोई और देश। लेकिन इसी बीच में जब पश्चिमी देशों का भारत के प्रति दोहरा रवैया सामने आया तो इस पर रूस गुस्सा गया है। पूरे 20 देशों में से किसी के राष्ट्राध्यक्ष तो किसी के प्रतिनिधि इकट्ठे भी हैं और भारत की मेजबानी का आनंद भी ले रहे हैं, फिर चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका या फिर कनाडा या फिर कोई और देश। लेकिन इसी बीच में जब पश्चिमी देशों का भारत के प्रति दोहरा रवैया सामने आया तो इस पर रूस गुस्सा गया है। दरअसल भारत को लेकर कुछ नकारात्मक खबरें चल रही हैं। पश्चिमी मीडिया में कुछ ऐसी खबरें प्रकाशित हो रही हैं जिसमें आयोजन के मद्देनजर दिल्ली के सौंदर्यीकरण के कुछ इलाकों में झुग्गियों को गिराने का मुद्दा बनाया गया है। इसी मुद्दे पर रूस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर रूस की सरकारी ब्रॉडकास्टर रसिया टीवी ने पश्चिमी मीडिया को लतार लगाई है। रसिया टीवी ने अपने ओपिनियन लेख में लिखा है, भारत शानदार तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की खबरों में इस आयोजन को लेकर केवल नकारात्मक खबरें ही चल रही हैं। रसिया टीवी की तरफ से लिखा गया है, पश्चिमी पत्रकारों ने महज गरीबों और वंचितों पर फोकस रखा और इस पर रिपोर्ट किया है कि कैसे भारतीय अधिकारियों ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले गरीब बस्तियों को हटाने के लिए सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। ये इस बात का प्रमाण है कि गैर पश्चिमी देशों के बारे में कुछ भी लिख देना कितना आसान है। उन्होंने अपनी कवरेज को केवल नकारात्मक कहानियों तक ही सीमित रखा है। रसिया टीवी ने आगे ये भी लिखा, इस साल भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में G20 की 220 बैठकें हो चुकी हैं, जिसे भारत ने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। बेशक इस आयोजन में कुछ खामियां थी, जैसा कि अधिकांश देशों की बैठकों में होता है, लेकिन भारत के आयोजन को ह्यूमन सेंट्रिक रखा गया है, जिसमें बड़े समूहों ने हिस्सा लिया है और इसके लिए भारत की सराहना भी हुई है। भारत में बीजेपी की विपक्षी आम आदमी पार्टी ने भी इस आयोजन के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की है। रूसी मीडिया ने ये भी लिखा, पश्चिमी मीडिया ग्लोबल साउथ, जिसका मुखिया भारत में है, के देशों को परिचित अजनबियों की तरह देखता है, जिसका उदाहरण G20 की कवरेज में देखने को मिल रहा है। रसिया टीवी ने पश्चिमी मीडिया को पश्चिमी देशों की हकीकत करा दिया है। उन्होंने कहा है, पश्चिम के अधिकांश अमीर देशों में भी लाखों गरीब हैं और एक अमीर वर्ग है। वहां के देशों में आय असमानता रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। क्या मीडिया को इस टाइपकास्टिंग से अधिक पाठक मिलते हैं या उनकी औपनिवेशक मानसिकता का उदाहरण है? रूसी ब्रॉडकास्टर ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कहा है, जिस तरह से भारत में अमीरी के बीच गरीबी की समस्या है, अमेरिका के सिलिकॉन वैली में लोगों के पास घर नहीं है। अमेरिका के बड़े शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स की समस्या है, जिससे जुड़े वीडियो सामने आते रहते हैं। यूरोप के अधिकांश शहर प्रवासियों और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। फिर अपने तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रसिया टीवी ने यह भी लिखा, ऐसे समय में जब पश्चिम के कामगार, डॉक्टर से लेकर हॉलीवुड लेखकों तक कामकाज का शोषण वाली स्थिति और कम स्तर को लेकर नाराज है, पश्चिमी मीडिया का केवल विकासशील दुनिया के नेताओं की गरीबी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर फोकस करना कट्टर दोगलापन है। कुछ ऐसी फटकार लगाई है रसिया टीवी ने पश्चिमी देशों की। जो भी कोई पश्चिमी देश ऐसे समय में जब भारत अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर है, G20 जैसे देशों की दिल्ली में मेजबानी कर रहा है, ऐसे समय में पश्चिमी देश जब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते देखे गए, तो इससे रशिया नाराज हो गया है और अपने ब्रॉडकास्टर के माध्यम से मुंह पर अच्छा और पीठ पीछे छुरा भोंकने के लिए पश्चिमी देशों को आड़े हाथों ले रहा है। उन्हें बता रहा है कि भारत पर सवाल उठाने से पहले पश्चिमी देशों को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अब पश्चिमी देश रसिया टीवी की इस सीख पर क्या प्रतिक्रिया देंगे वो तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देशों का भारत के प्रति दोहरा रवैया सामने आया है, जिस तरह से पश्चिमी देशों का भारत के लिए दोगला खेल चल रहा है, इससे रूस को आपत्ति है। शायद यही साबित करता है कि रूस भारत का कैसा मित्र है, पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी और पक्की है। वैसे भारत के लिए रूसी मीडिया की तरफ से पश्चिमी देशों को जो लताड़ लगाई गई है, G20 की आड़ में जिस तरह से पश्चिमी देशों ने भारत की अच्छाई की जगह बुराई देखी और दिखाई है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर
जरूर बताएं।